श्री रघु राम कृष्ण राजू जी. थैंक यू चेयरमैन सर. दिस इज रिगार्डिंग रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ऑल्सो हैड स्पोक अबाउट द बर्जनिंग डेट ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड द प्रिकॉशंस दैट वी विल हैव टू टेक वेर इन सेवरल स्टेट्स विच आर लाइकली टू गो ऑन द श्रीलंकन वे. इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू ब्रिंग वन सबमिशन दैट recently in my own state Andhra Pradesh the income which is supposed to go to the state exchequer treasury that is being diverted to a corporation. And do you have any knowledge on this sir? Sir, let me speak. Sir, I am not allowed to enter my parliament and I am not allowed to talk here. aap apni baat rakhiye please. Why are you talking unnecessarily? Mr. Raju, I have all the evidence. Just speak your thing. Yes, the government of Andhra Pradesh has come up with an act 9 of 2022 wherein the income which supposed to have got accrued to the treasury has been diverted to AP State Beverages Corporation. And against that, if you have any evidence, no, I have the evidence, I have the act. Sit down. Don't just address the chair and complete your submission. Please. Mr. Mugan. Sir, he can't shout like that. आप अपनी बात रखिए और केवल चेयर को एड्रेस कीजिए. जी जी प्लीज 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 यू प्लीज बी सिट अप. आई विल लुक एट यू. आप डोंट डिस्टर्ब हिम. डोंट डिस्टर्ब हिम. यस आई विल लुक एट यू सर. ओके आई डोंट वांट टू लुक एट. अपनी बात रखिए बस सिंपल. सो द थिंग इज द अमाउंट व्हिच सपोज टू गेट अक्रूड टू द स्टेट एक्सचेकर दैट इज बीइंग डाइवर्टेड टू अ कॉर्पोरेशन एंड अगेंस्ट दैट कॉर्पोरेशन they were raising loans which is now the concern for the government of India also. They were talking additional loans should not be taken. I will give all the details just because someone managing some institution it won't take us anywhere. I will give all the details now please. Are why are there? Thank you chairman sir. थैंक यू चेयरमैन सर. मैं इस महान सदन का ध्यान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं. यह एयरपोर्ट मोहाली पंजाब क्षेत्र में स्थित है जबकि हरियाणा राज्य भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है. चंडीगढ़ पंचकुला और मोहाली ट्राई सिटी के लिए यह अत्यंत आवश्यक एयरपोर्ट है जहां से घरेलू उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी संचालन किया जाता है. पंचकुला के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए मोहाली की तरफ से 25 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है जबकि पंचकुला से एयरपोर्ट मात्र 4-5 किलोमीटर लंबा है. परंतु एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी न होने के कारण यात्रियों पर समय व ईंधन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है और यह सरकार की स्वच्छ पर्यावरण की प्रतिबद्धताओं के भी विपरीत है. महोदय, पंचकुला को हरियाणा सरकार ने मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया है और जिस प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद का विकास हरियाणा प्रदेश में पिछले 50 सालों में हुआ है, सरकार का पूरा ध्यान है कि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जनसंख्या के दबाव को देखते हुए सरकार जो है वो पंचकुला को एक बहुत ही बेहतरीन शहर के रूप में विकसित करना चाहती है. और उसके लिए ये आवश्यक है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हरियाणा की ओर से रास्ता दिया जाए. मैं माननीय सड़क व परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि एयरपोर्ट के लिए पंचकुला की ओर से कनेक्टिविटी दी जाए ताकि यात्रियों की सुविधा के साथ साथ समय व ईंधन के बोझ को कम किया जा सके. थैंक यू. नमस्कार. श्री सुरेश पुजारी जी. धन्यवाद महोदय. आज जो विषय मुठवाई जाऊँ महोदय ओडिशार सबुठ गंभीर विषय महोदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जिते गरीब कल्याण योजना एवं कृषक
विकास योजना होइछि महोदय से मानक भितरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सर्वोत्तम किंतु ये योजना महोदय ओडिशा रे संपूर्ण भाव रे बाटबणा होइ जाइछि ये विषय गत वर्ष डिसेंबर 7 तारीख रे मध्ये मु उठैथिली महोदय मु जो निर्वाचन मंडली रो संसद महोदय सेतिरे जुड़िए जिला बरगढ़ जिला एवं झारसुगुड़ा जिला बरगढ़ जिला महोदय ओडिशा रो 6 भाग रो गोटे भाग धान संग्रह करिथाय ये जिला रे महोदय राज्य सरकार जो इंश्योरेंस कंपनी संग रे राजीनामा करछंती एचडीएफसी एग्रो इंश्योरेंस कंपनी महोदय ये कंपनी विगत वर्ष मध्य ए वर्ष मध्य चासी मान को तांकर बीमा भुक्त पैसा देवा पई प्रस्तुत नहु गला वर्ष मध्य देला नै ए वर्ष मध्य मु आपन को महोदय कहिया पई चाहू छी जे 825868 जण नॉन लोनली एवं 677066 जण लोनी जो माने पंजीकृत होइतिले ये कंपनी बिना कारण देखैगिरी एवं कट ऑफ डेट परे गोटिए रिजेक्ट करिवारे लागिछि ए बाबत रे 420000 एप्लीकेशन रिवर्टेड 139005 रिजेक्टेड एवं गुड़िए केप्ट पेंडिंग यहाँ फल संपूर्ण भाव में चाषी मैंने क्षतिग्रस्त हो तार सहित मध्य आउ गोटे विषय उठे उल्लेख करने चाहिए महोदय जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट राज्य सरकार जोटा कर वर्तमान पर्यंत अपलोड करना ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट इन्सुरेन्स कंपनी उपस्थित हेबार सत्वे इन्सुरेन्स कंपनी ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मध्य मानवाप प्रस्तुत नुह समग्र भाव में केवल बरगढ़ नुह सारा ओडिशा रे क्रॉप इन्सुरेन्स स्कीम जोटा संपूर्ण भाव में बाटबणा आपणकर माध्यम महोदय मु देशर अर्थमंत्री एवं देशर कृषि मंत्री को निवेदन करने चाहे राज्य सरकार रिपोर्ट तलब करूँ कहीं एचडीएफसी कंपनी एवं अन्य कंपनी मैंने चाषी मान नीति अवलंबन कर तदंत करूँ एवं ये कंपनी एचडीएफसी कंपनी को कला तालिकाभुक्त ब्लैक लिस्टेड करा जाऊ जिमिति भारत बर्षर कौन सी जगार ये कंपनी जाकि काम करें विगत वर्ष एवं चलित बर्षर जो मैंने पंजीकृत करते क्रॉप इन्सुरेन्स कंपनी पाखे से मौजा क्षतिपूरण तुरंत देवाई राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी को निर्देश दिया जो महोदय धन्यवाद महोदय श्री रितेश पांडे जी श्री अरविंद सावंत जी स्लिप भेज दीजिए जिनको संबद्ध करना है आदरणीय चेयरमैन सर आप जानते हो कि मैं पिछली 5-6 साल एक विषय को लेकर बहुत व्यथित हूँ बार बार रख रहा हूं महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने हमारे पास जो बीडीडी चाल कहते हैं उसके ऐसे बीडीडी चाल के 3-4 कॉम्प्लेक्स है एक नायगांव में वर्ली में है नामजोशी मार्ग में शिवडी में राज्य की सरकार ने उनका पुनर्विकास करने का तय कर लिया अब वो पुनर्विकास का काम भी शुरू हुआ लेकिन ये 3 क्लस्टर को छोड़कर जो चौथा शिवडी वाला क्लस्टर है ये तीनों क्लस्टर जहां भी है वो जमीन राज्य सरकार की है और ये जो चौथा क्लस्टर जो शिवडी में है वो है केंद्र सरकार के मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर है अब वो आज तक अनुमति नहीं दे रही है करीबन 960 लोगों के मकान है 16 बिल्डिंग है उसमें तो ये बिल्डिंगों को पुनर्विकास करने के लिए राज्य सरकार ने तय किया पैसा राज्य सरकार देगी इनको मुफ्त में घर मिलने वाले है वो भी 600 स्क्वायर फुट के घर मिलने वाले है ऐसी स्थिति में आज भी केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले रही है मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है अब कोई नहीं कर सकता आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि क्यों इनको वंचित किया जा रहा है अच्छा केंद्र की सरकार के लिए और भी एक उपलब्धि है वहां एक हार्बर लिंक करके रास्ता जा रहे जो मुंबई नवी मुंबई में जो नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है तो उसके लिए वहीं से जा रहे हैं उसी शिवडी के बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे हैं तो दोनों को मिलकर वो जमीन पर तो कल मकान तोड़ने होंगे कुछ दूर से जाएंगे लेकिन नजदीक से जा रहे हैं सब जमीन किसकी है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने ट्रांसफार्मर लिंक के लिए अनुमति दे दी लेकिन बिल्डिंगों के लिए नहीं दे रही तो मैं आपसे माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद उस पर ध्यान देकर ये कोई अनधिकृत निवास नहीं है ये अधिकृत निवास है ये कोई झुग्गी झोपड़िया नहीं वो एक अलग विषय है उसके ऊपर भी कभी बोलूंगा लेकिन आज ये अधिकृत होने के बावजूद भी मकाने पूरी हुई है मतलब पुरानी है और कभी भी ढह सकती है आज पूरे बिल्डिंग में जाओगे तो हर टॉयलेट में आपको लीकेज मिलेगा कॉमन टॉयलेट है ऐसी स्थिति में और इसलिए मैं आपसे माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री खुद इसमें ध्यान देकर ये बीडीडी चाल शिवडी के बीडीडी चाल के पुनर्वास के बारे में जल्द से जल्द अनुमति दे ताकि राज्य की सरकार उसका काम शुरू करे धन्यवाद सब।